तो YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल है AR हीरो होंडा यामाहा। दोस्तों देखो, आज मैंने ये BS6 स्प्लेंडर खोल ली थी। इसके गियरों में कमी थी और इसके गियरों में हमने ये गियर बदले हैं। एक ये बदला है, एक ये गियर क्रॉस बदला है, एक ये गियर क्रॉस बदला है और एक ये थर्ड गियर की गियर चेंज किया है। ये हमें इसलिए चेंज करनी पड़ती है, ये देखो कितना गोल हो गया था, ये गियर फेंक रही थी। ठीक है दोस्तों, जैसे ज़रा सा लोड पड़ा तो ये गियर फेंक रही थी। ठीक है दोस्तों, और ऐसे बदल दिया स्प्लेंडर प्लस, तो ऐसा ही हिसाब है इसका, बिल्कुल सेम वही है और कुछ नहीं। जो किक में जो ये टाइमिंग का निशान है, बिल्कुल ये भी ऐसा ही है स्प्लेंडर वाला ही, जो पहले स्प्लेंडरों में होता था। ठीक है दोस्तों, और ये देखो, ये गियर भी निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यही है जो पहले वाला था, वही इसमें है। ठीक है दोस्तों, और अब हम इसे फिट करते हैं। दोस्तों ये देखो, हमने डोवल्स लगा ली इसकी। ये डोवल्स इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि ये पैकिंग अपनी जगह से ना हिले। ठीक है दोस्तों, और पैकिंग पे हम कोई बैठ गया और चैम्बर ये लगा दिया। और इसमें पुराने वाली स्प्लेंडर में क्या हिसाब था, ये जो ये देखो, ये ऑयल पंप है, ये इसका BS6 का ऑयल पंप है, जो पहले पुराना आता था उसमें रोड होती थी। ठीक है दोस्तों, रोड कंपनी ने इसलिए बंद कर दी क्योंकि ये हल्की सी ज़रा सी आउट हो जाती थी तो क्रैंक पे ऐसी आवाज़ आती थी जया क्रैंक बोल गई। ठीक है दोस्तों, और ये देखो, ये सेंसर दिया है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये सेंसर दिया है इसका, बस BS6 में। और एक ये ऑयल पंप चेंज कर दिया, और उधर से टाइमिंग चैन की तरफ से भी दिखाऊंगा मैं और क्या क्या चेंज दिया है इसमें करके। ठीक है दोस्तों, यही ये देखो, इसकी फिटिंग ऐसे कर दी हमने जैसे ये पुराने स्प्लेंडर की होती थी ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, ये चैम्बर हमने फिट कर दिया, ये BS6 स्प्लेंडर है। ठीक है दोस्तों, और हमें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी, ये हल्का से ये ऐसे दबा के, ये हल्का सा दबा के दोस्तों, हल्का सा हमने पुश करा, ये देखो ये चैम्बर बिल्कुल फिक्स बैठ गया। ठीक है दोस्तों, ये देखो बिल्कुल फिक्स बैठ गया। अब हम इसके बोल्ट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये अब हमारा ये चैम्बर फिट हो गया। और चैम्बर फिट करने के बाद में जैसे स्प्लेंडर में होता है ऐसे ही होता है, सिर्फ इसमें ये ऑयल पम्प चेंज दिया है करके। ठीक है दोस्तों, BS6 में सिर्फ स्प्लेंडर का ये ऑयल पंप चेंज दिया करके, नहीं तो पिस्टन वगैरह सब यही है। और दूसरे पार्ट में हम बताएंगे टाइमिंग चेन में क्या होता है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, और सिलेंडर पिस्टन के बारे में बताएंगे। आज के वास्ते इतनी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।